हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं रूप मंत्रा। ये फेशियल किट अभी हमने आपको दिखाया, इसकी नरिशिंग क्रीम से किस तरह से फुल मसाज स्टेप बाय स्टेप देनी चाहिए जिससे एक ही बार में स्किन चमक उठे। और ये अभी हमने जो नंबर वन का जो डिब्बी दिखाई है आपको, ये क्लिंजी मिल्क है। तो फेस पर कोई भी काम करते हैं, हमने बताया आपको कि उससे पहले हम फेस को क्लीन करने का काम करेंगे। नरिशिंग क्रीम से मसाज देने से पहले स्किन को क्लीन करेंगे जिससे कि प्रॉपर वे में हमारी जो नरिशिंग क्रीम है अपना काम कर सके। धूल मिट्टी के कारण या ऑयली स्किन पर धूल मिट्टी बहुत जल्दी लगती है, डस्ट के कारण, गर्म हवाओं के कारण, तेज ठंड के कारण हमारी स्किन गंदी हो जाती है। और जो धूल मिट्टी के कण हैं हमारे रोम क्षेत्र को बंद करते हुए हमारे फेस को गंदा कर देते हैं, तो उसको क्लीन करना बहुत आवश्यक है। साबुन से हम कितना भी नहाते हैं फिर भी अगर हम क्लींजिंग करते हैं या एस्ट्रोजेंट लोशन से साफ करते हैं तो वो अच्छे से हमारी स्किन डीप क्लींजिंग होती है। और यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। 2 मिनट तक हल्के हाथ से ये इस तरह से मसाज देंगे और मसाज देने के बाद में फिर रूप मंत्रा की ये नरिशिंग क्रीम जो है पर्ल की, उससे मसाज देकर आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, हम क्रीम कोई सी भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ब्रांड की लेते हैं, किसी भी कंपनी की लेते हैं, चाहे हम डायमंड की लें, सिल्वर की लें, गोल्ड की लें या फिर हम VLCC की लें, कोई सा भी फेशियल हम करते हैं तो उसमें अगर हमारे स्टेप्स का प्रेशर घटना बढ़ना और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको अलग ही दिखाई देता है। अगर हमने क्रीम को लगाया, किसी भी क्रीम को लगाया और प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप से मसाज नहीं हुई तो फिर उसका रिजल्ट हमको गलत दिखाई देगा। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्रीम कोई सी भी हो, नरिशिंग क्रीम कोई सी भी हो, किसी भी ब्रांड की हो, कंपनी की हो, लेकिन करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि हमारी स्किन ग्लो कर सके, शाइन कर सके और टैनिंग रिमूवल स्किन हो सके। ये देखिए, फेस क्लीन करने के बाद में ये नरिशिंग क्रीम ली है जो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पर्ल के बुरादे से इस क्रीम को तैयार किया गया है। इसमें सिया बटर को मिक्स किया गया है, साथ में हर्बल चीज़ें जो रस होते हैं फ्रूट्स के उनको भी मिक्स किया गया है जिससे कि हमारी स्किन एक लाइट वेट की हो जाए। लाइट वेट की होने का मतलब ये है कि इतनी स्किन लाइट हो कि हमारे स्किन के इंटरनल तक पहुंचकर वो अपना कार्य कर सके और हमारे स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सके। अगर हमारी कोई भी नरिशिंग क्रीम है इस तरह की है जो लाइट वेट की नहीं है तो स्किन अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। स्किन की लेयर जो हमारी होती है 10 लेयर होती है, 10 में से अगर 50% भी कोई भी क्रीम, नरिशिंग क्रीम पहुंचती है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब स्किन करती है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा क्रीम लगाई है और बिना वॉश किए हुए ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के अंदर। करने का तरीका आप देखिए। देखिए, हमारे फेस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लूज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये फॉरहेड के पोर्शन का, नोज के पोर्शन का और चिन के पोर्शन का एरिया थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है, यहाँ हम प्रेशर पॉइंट बढ़ा सकते हैं। प्रेशर पॉइंट बढ़ाने का मतलब ये है जितना क्लाइंट को सूट हो जाए या जिसके भी हम मसाज दे रहे हैं उनको सूट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी इतना एक्सेस में नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ा इरिटेट होने लगे इंसान। नॉर्मली जो थोड़ा सा प्रेशर हम बढ़ाएंगे और आप देखिए फिंगर टिप से ये सॉफ्टली जेंटली मसाज देंगे, चिन के पोर्शन पर भी, नेक एरिया पर भी। ईयर के पोर्शन, नेक एरिया को, शोल्डर को हम बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे फेस से रिलेटेड ये पार्ट्स होते हैं। अगर इस एरिया पर ग्लो नहीं आता है तो हमारे फेस का ग्लो थोड़ा फीका रहता है, कम रहता है। इसलिए हमको नेक एरिया, ईयर के पास, ये सारी जगह जो है, शोल्डर वाली जगह है, इस पर भी प्रॉपर मसाज हमको देनी चाहिए जिससे कि फेस का ग्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और ये करने का तरीका देखिए आप, राउंड राउंड
शेप में ये सर्कुलर मोशन में इस तरह से फिंगर टिप से मसाज देनी है। और ये मसाज देने का तरीका आप देखिए, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आप वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि काफ़ी एकदम समझ में नहीं आएंगे धीरे धीरे अगर आपको याद नहीं होते हैं। ये चीज़ हम बिगनर्स के लिए कह रहे हैं या हमारे वीडियो देखकर वो पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं उनके लिए कहना चाह रहे हैं कि अगर ये समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो को बार बार देखें, बार बार चेक करें और स्टेप्स पर पूरा ध्यान दें। और ये देखिए अब जो नरिशिंग क्रीम पर्ल की लगाई है अब काफ़ी कुछ हद तक एब्जॉर्ब होने लगी है। और करने का तरीका देखिए, थोड़ा सा बीच में अगर महसूस होता है कि हाथ में ड्राइनेस आ रही है तो हम गीला हाथ कर सकते हैं। गीला हाथ, मिनरल वाटर होना चाहिए जिससे कि कोई स्किन को प्रॉब्लम ना हो, साइड इफेक्ट ना हो। और दूसरा, उसमें और भी ज़्यादा एक्सेस में ग्लो लाने के लिए हम रोज़ वाटर मिक्स करेंगे तो और भी ज़्यादा स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि रोज़ वाटर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वो स्किन को ग्लो करने का काम करता है। तो ये हर्बल ट्रीटमेंट हम जब स्किन पर पहुँचाएंगे, हर्बल क्रीम को नरिशिंग क्रीम से मसाज देंगे तो नेचुरली हमारी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी और साथ में टैनिंग रिमूवल भी हमारी स्किन हो जाएगी। टैनिंग बिल्कुल हट जाएगी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सीजनल होती है बहुत ज़्यादा, हाँ हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, कई बार दाने हो जाते हैं, गड्ढे जैसे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको नरिशिंग क्रीम का चयन करना चाहिए। हर स्किन की एक अलग नेचर होती है, ऑयली स्किन की अलग नेचर है, ड्राई स्किन की अलग है, नॉर्मल की अलग है। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमको उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ स्किन के अकॉर्डिंग ही हमको नरिशिंग क्रीम का चयन करना चाहिए। ये पर्ल वाला जो अभी आपको दिखाया हमने नरिशिंग क्रीम का नज़ारा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मसाज हो रही है। ये वास्तव में काफ़ी हर्बल है, रूप मंत्रा के सारे प्रोडक्ट हर्बल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं और इसमें सिया बटर और रोज़ की पत्तियाँ, सारी चीज़ें जब इसमें मिक्स हैं, फलों के रस मिक्स हैं, तो नेचुरली एक नरिशिंग क्रीम का रिजल्ट अलग ही होगा। और वो आपके सामने आप देखिएगा, मेरी क्लाइंट को आपने देखा कि इतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा था फेस, लेकिन फेशियल के बाद आप देखिएगा बिल्कुल स्किन शाइन करेगी और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे से चेंज नज़र आएगा। तो ये स्टेप्स आपने जो देखे हैं फेशियल के, बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग ही आप बार बार मसाज देने की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास किसी का चेहरा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घुटने पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि सेल्फ वीडियो हमने बताया है सेल्फ मसाज करने का, वो आप देख सकते हैं, उससे किस तरह से हमको घर बैठे प्रैक्टिस करनी है उसी के हिसाब से आप करिए। और ये क्लिंजिंग और फेस मसाज नरिशिंग क्रीम के बाद में हम फेस को खुला नहीं छोड़ेंगे, स्किन को फेस पैक लगाया है आप देखें, और 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद इसको वॉश करिए। और वॉश करने के बाद देखिए आप फेस कितना चमक रहा है। विश्वास है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिसका हमको वेट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।